Hey guys, this side अश्वनी राय aka अश्वनी OSX। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था स्विमिंग गॉगल्स पे। इस बार मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप गैस कर सकते हैं मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ? यस, नो, मे बी, एनी वाइल्ड गैसेस? नो यार, स्विमिंग करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट ही होती हैं, राइट? लाइक ब्लैक कॉफी, राइट? वेन एवर यू वर्क आउट यू हैव टू कंज्यूम समथिंग सो एज दैट ऑल द फैट्स, ऑयल्स, ऑल द इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे, इट्स फ्लश्ड, राइट? तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, लाइक स्विमिंग हो गया, जिम हो गया, तो हमें ये गाइड, हमें ये बताया जाता है कि हमें कुछ उसके पहले, एक दो घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो बेस्ट सॉल्यूशन इसका होता है ब्लैक कॉफ़ी को पीना। अब मैं आपको बिना किसी डिले किए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले तक मैंने काफ़ी सर्च की कि ब्लैक कॉफ़ी इंडिया में कौन सी बेटर है, कौन सी बेस्ट है। तो कुछ सर्चेस करने के बाद मुझे पता चला कि नेस्कैफे की ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी अभी नंबर वन चल रही है। हालांकि ये लेटेस्ट नहीं है, इसको करीब 8 मंथ्स हो गया है, शायद इससे ज़्यादा भी हो गया हो। तो मैंने अपना पहला परचेज जो किया वो नेस्कैफे का ब्लैक रोस्ट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अभी तो इसमें एलोवेरा जेल भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं इसे पी के ख़त्म कर चुका हूँ। ये आपको मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट। जैसा कि मैंने बोला, इसमें एलोवेरा जेल है, प्लीज़ डोंट माइंड, राइट? और दूसरी चीज़ जो आपको माइंड नहीं करनी चाहिए, आज मेरे माइक का यार जो फोम था वो कहीं खो गया है, तो मैं माइक को आज हाथ में लेके बात कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता मैं कितने दिन इस तरह से वीडियो बनाऊँगा, बट यू नो, जस्ट पार्डन मी। चलिए, तो मैंने ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी पूरी ख़त्म कर दी, इसके बाद मैंने सोचा अब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी, लेकिन जितना इसके ऊपर हाइप थी कि दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी इन इंडिया, वो मुझे लगा नहीं। हालांकि मैं ब्लैक कॉफ़ी ही प्रेफर करता हूँ, आई डोंट यू नो मिक्स इट विद मिल्क। मिल्क के साथ भी मैंने ट्राई करके देखा जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, मुझे ठीक ठाक रिजल्ट मिले। स्ट्रॉन्ग थी कॉफ़ी, नो डाउट, बट जैसा कि हैज़ द नेम सजेस्ट, इट्स अ ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी, इट्स अ ब्लैक कॉफ़ी, इट्स एस्प्रेसो, राइट? सो यू नो, कंज्यूम इट विद ल्यूक वाटर, आई मीन यू नो क्या बोलते हैं, नरम गरम पानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं, ताकि आप तुरंत कंज्यूम करके आपके पास जो भी टाइम होता है एक घंटे पहले कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैं एक घंटे पहले कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जितना भी फूड था, जितनी भी ड्रिंक्स थी, सब बर्न आउट हो गई है, बर्न सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं खूब पानी पीता हूँ यार, 1-2 लीटर पानी पीता हूँ और स्विमिंग पूल में घुस जाता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा रूटीन होता है, स्विमिंग, जिम। तो ये कॉफ़ी मुझे एवरेज लगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक नई कॉफ़ी की, जो मैंने ब्रांड न्यू अभी मंगवाया, इट्स डेविडॉफ एस्प्रेसो 57। मैं क्लोजअप दिखाऊंगा आपको, इट्स डार्क एंड चॉकलेटी, राइट? अच्छा, मैंने आपको नेस्कैफे का प्राइस नहीं बताया, इसको मैं टेबल पे ही रखूँगा क्योंकि ये अभी ब्रांड न्यू है, नेस्कैफे ख़त्म हो चुकी है। नेस्कैफे का प्राइस था 360, मुझे अमेज़ॉन से 340 में मिला जिस दिन मैंने परचेज़ किया था। आप देख सकते हैं आपको किस प्राइस में मिलेगा। और ये डेविडॉफ की जो कॉफ़ी है ये है 550 की, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 550 है, मुझे 479 में मिला है अमेज़ॉन से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको ये आपके एरिया के हिसाब से या एज द यू नो डे ऑफ द वीक क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में अमेज़ॉन पे, वो अप डाउन होता रहता है शेयर मार्केट की तरह, आपको पता ही होगा। तो ये भी एक इंस्टेंट कॉफ़ी है, 100% अरेबिका, काफ़ी इंटेंस कॉफ़ी है, और ये
डार्क एंड चॉकलेटी है जो नेस्कैफे नहीं थी। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको लगे ये ब्रांड न्यू ही है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि मैंने इसे कंज्यूम किया नहीं है। मैं अपने माइक को ज़रा होल्ड करना चाहूँगा। से दिस इस कॉफ़ी को कंज्यूम करने के बाद मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, स्पेशली डेविड ऑफ का, क्योंकि ये ओवर हाइप्ड है, नेस्कैफे से भी ज़्यादा हाइप्ड है। ठीक है, तो मैंने, जैसा कि मैंने बोला, मैं कॉफ़ी के बारे में काफ़ी सर्च कर रहा था, एंड आई एम ए बिग कॉफ़ी लवर, राइट? आई एम ए बिग फैन ऑफ इट। तो इसको कंज्यूम करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है? तब तक के लिए गाइस, और मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा जब मैं ढंग से इसको कंज्यूम करके इस कॉफ़ी को पूरी तरह से समझ जाऊंगा, मैं वीडियो तभी बनाऊंगा। अभी के लिए नेस्कैफे का जो मैंने आपको बताया था ब्लैक रोस्ट, वो एक एवरेज कॉफ़ी लगी है मुझे। अब मैं डेविड ऑफ आपको बताऊंगा कैसी है। टिल देन, चेयर्स, बाय बाय।